दोस्तों तो अब यहाँ आ गया जी मास्टर केज के अंदर। मैंने कहा चलो आज के जो डेट में आपको चूज़ों का भी शो करवा देते हैं, और शाहजेब भी जो है वो लगा हुआ है जी। क्या हाल है शाहजेब? ठीक हो, खैरियत से हो? अच्छा, ये हमारा आया जी भांजा है जी, कराची से आया है माशाल्लाह। इसको भी जो है वो चूज़ों के साथ लगा रहता है, बंद करने में खोलने में ये जो है ना लगा रहता है अभी ऊपर। तो अभी जो मुर्गा हमारा, इसका जो कंडीशन थोड़ी बहुत बेहतर है अभी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके जो है ना प्रॉब्लम थी, ठीक है जी, इसकी जो बीट वाली जगह है ना वो काफ़ी ज़्यादा सूजन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इसको सर्जरी करानी पड़ी थी, क्योंकि सर्जरी के बगैर इसके जो है ना काम इसका हल नहीं था। तो वो एक डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा, तो उसके बेहतर ही जो है, उससे पहले मैंने इसको जो है वो थोड़ा बहुत रिकवर किया है। रिकवर कैसे किया? नारियल का ऑयल होता है, ठीक है, नारियल का तेल जिसके कहते हैं खोपरे का तेल, वो इसके मैंने इर्गिर्द थोड़ा सा इसको लगा के अच्छी तरह इसके जो साइडों पे बाल थे वो मैंने जो है वो निकाल दिए थे, ताकि जो है वो बिल्कुल उससे नरम हो गया, इसका जो सूजन वाली जगह थी नरम हो गई। उसकी वजह से अभी ये देखे काफ़ी ज़्यादा ये बीठे करने लग चुका है, ठीक है। तो अभी इसकी जगह चेंज करते हैं, इसको जो है वो खुडे में थोड़ा सा छोड़ते हैं, ताकि ये थोड़ा सा पार वगैरह मारे और इसके जो है वो इसके अंदर सही तरह से एनर्जी आए। तो बाकी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है, तो ज़्यादा अगर इनका जो बहुत ज़्यादा इनके अगर पेट में मसला हो ना, तो आप इनको जेंटल सिरप देंगे तो इनके अंदर से जो पेट के कीड़े हैं वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह जो हमारे चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक हैं, अभी बीमार हो गए थे बीच में लेकिन अभी बिल्कुल ओके हैं। यहाँ पर घूम रहे हैं, दाना वगैरह खा रहे हैं, और जो छोटे चिक्स हैं वो भी जो है वो साथ साथ लगे हुए, पैरेट हमारे भी जो है वो भी दाना वगैरह अपना खा रहे हैं, ठीक है। तो इसका बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह का कोई इशू हो भी जाए, तो अगर मुर्गा सही तरह से बीट ना कर सके, एक ड्रॉप आते हैं डाई गैस के नाम से, वो मैं पिक्चर ऐड कर दूँगा साथ इसमें, तो आप वो देख लीजिएगा, वो दो तीन कतरे आपने इसको दे देने हैं, ठीक है, एक टाइम ही देने हैं, दोबारा नहीं देने। तो उससे ये होता है कि इसका जो भी पेट का जो प्रॉब्लम होता है, अगर किसी किस्म का पेट का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी माशाल्लाह चेक करें, आज ये पानी इनका जो है अभी चेंज करते हैं, ठीक है, पानी इनका गंदा हुआ, पानी चेंज करते हैं। तो उस साइड पे बोतल मैंने इनके आगे रखी थी, ताकि ये सही तरह से पानी में जो है ना बीठे वगैरह कर देते थे हमारे चूज़े, उस वजह से बीमार हो जाते थे। अभी मैंने बोतल रखी हुई है ताकि इसमें बीठे ना करें। तो अभी ये वाली अलमारी है, इसको भी तैयार करते हैं। मच्छर जाली मैंने लगाई है, लेकिन मच्छर जाली में जो है वो अभी इसके ऊपर दूसरी जाली लगेगी, दूसरी इस तरह की जाली लगेगी, तो फिर जो है ये मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी फटे वगैरह लगाते हैं इसके अंदर सही तरीके से, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा इसका, तो इंशाल्लाह इसको सही तरीके से तैयार करते हैं। फिर उसके बाद इसमें चिक्स जो है, इस तरह के चूज़े जो हैं हम लेकर आएंगे, ठीक है, तीनों पोर्शंस में जो है ना उसके हम चीज़ें वगैरह लेके आएंगे इंशाल्लाह, रखेंगे, क्योंकि आगे मौसम थोड़ा बहुत बेहतर होता जाएगा तो पाल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस मौसम में ही पाल जाते हैं, लेकिन केयर करनी पड़ती है। जैसे कि अभी ये बीमार हो गया था तो इसको मैंने दिए सिरप वगैरह, तो अभी ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह से, ठीक है। तो इंशाल्लाह एहतियात कीजिए, तो आपके परिंदे ठीक रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। तो मैंने कहा चलो आज आपको जो अपडेट देते हैं आज की। और अभी कबूतरों वाली साइड पे आ गए हैं, मैंने कहा चलो आपके जो है ना कबूतरों का करीब से शो करवा देते हैं, ठीक है। तो इनके आगे भी जो है ना इनके सेटअप में कबूतरों वाली जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीमारी ने अटैक किया था, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो हम करते रहते हैं ट्रीटमेंट वगैरह इंशाल्लाह, और उसका यह रिज़ल्ट माशाल्लाह से ओके, अभी बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि कल भी मेडिसिन वगैरह इनको दी हमने, ठीक है ना। तो कबूतरों के लिए भी इंशाल्लाह जो मेडिसिन तैयार करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे साथ साथ, ठीक है ना जी। तो अभी ये अपने अपनी पेटियों में माशाल्लाह बैठे हुए, माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है, ठीक है। तो ये एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, छोटा सा बच्चा। अगर जिस भाई को कबूतर भी चाहिए हो ना, ठीक है, तो हमारे पास कुछ कबूतर भी होते हैं जो सेल वाले होते हैं, ठीक है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कबूतरों के हवाले से जो नंबर है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 0317-5074-002, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। इंशाल्लाह आपको जिस तरह के कबूतर भी चाहिए तो आपको कबूतर या कबूतरों के बच्चे, ठीक है, ये चेक कर लें, माशाल्लाह आला क्वालिटी के बच्चे हैं, ठीक है, जिसको चाहिए मुझसे रब्ता कर लें। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक ये बच्चा है माशाल्लाह ब्लैक में, हल्का सा इसको लकवा हुआ है लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक ये है मादी, और थोड़ी और मैं आपको साथ में शो करवा देता हूँ, एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है।